what is the procedure to change the room? भाई तुमको ये हॉस्टल विस्टल में रहने की क्या जरूरत है? ये भाई साहब ये 12 नंबर किधर है? ये रहा। अरे तेरी भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तेरे को मालूम है भगवान ने अपन को ये एज कॉलेज में काय को भेजा है? भगवान ने अपने को तो नहीं बताया। भगवान बोला जा तेरे बाबूजी को जिसने रुलाया ना उससे हिसाब चुकता करने का। सही है भाई। अभी भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना खलास चले यार सामान ला। भाई एक काम करते हैं अपन ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे और ये टीवी पीछे रख टेबल पे और भाई ये है ना ये दीवार तोड़ डालते हैं अपन सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम आते एकदम बाथटब बिटल सड़े इधर रख नीचे 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 ये चिरकुट पेटी हटा पेटी हटा इसी उधर रखने खिड़की में लगाने का इसी खिड़की में लगाने का इसी क्या Excuse me. भाई अपने कमरे को देख चकाचक बना डालेगा फिट से एकदम सही है बाप क्या अभी आ रहेंगे फ्रिज में इधर सोऊंगा मैं फड़े ले कब ए सर्किट एक टेंशन नहीं लेने का ए चिटकुट इधर आ बैठ क्या नाम है तेरा नागराजन स्वामी देख स्वामी आराम से रहने का ठंडा पानी पीने का टीवी देखने का मौज करने का बस सब कुछ अपना समझ मेरे अंडरवेयर को छोड़ के एक्सक्यूज मी व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम फर्स्ट ईयर यस कपड़े उतार फिर बताता हूँ देखिए रैगिंग इज नॉट अलाउड ए बिल्कुल अलाउड है यार कौन बोला देखो अलाउड नहीं है नो चलना नो बिल्कुल अलाउड है ये डॉक्टर लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। आई एम डॉक्टर पीपी अशोक। ए ब्लैक एंडी कम ऑन मूव। डॉक्टर महेश कृपलानी। नो 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 प्लीज माय पेन। आई एम डॉक्टर पंकज मुरलिया। ये इसको रैगिंग बोलते क्या? डॉक्टर अनिल दावड़ा। मस्त है यार मैं भी करूँ क्या? डॉक्टर वीरेंद्र पोल के। ये एक मिनट अपन को भी करने का है ये देख ये देख ये देख I am Dr. मुरली प्रसाद शर्मा और क्या करूं बस हो गई रैगिंग ये डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का पागल है क्या चल ये स्वामी तू करना इनकी रैगिंग अपुन को देखने का अरे टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना This movement is called hyperextension and this is called a flex. Now, a combination of these movements, you can wave out to somebody like that. Okay? Now, the 8 bones in the wrist are... Yele, chanaka. Shh. Are khana calcium hai haddi ke liye mast hai. Please, mujhe padhne dijiye. Life mein pehli baar mein second aaya hoon. Okay? Are apun first aaya. Kai ko bol, chana khake. Yele. Sir, what is the procedure to change the room? जाने दीजिए स्वामी तुमको पता है कि तुम हमेशा सेकंड क्यों आते हो क्योंकि ये चीटिंग करके फर्स्ट आता है दिस इज नॉट फेयर सर मुन्ना कभी चीट नहीं कर सकता है पूछो रुस्तम से मुन्ना ने खुद हमें सबके सामने कहा कि वो चीटिंग करके पास होता है रुस्तम टेल हिम कब सर आई डोंट रिमेम्बर सर Move!
तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि ये चीटिंग करके पास हुआ है, ठीक है? आई विल प्रूव टू यू। बोर्ड पे नोटिस लगाओ, कल सुबह 8 बजे असेंबली हॉल में सबके सामने मैं मुरली प्रसाद शर्मा का एग्जाम लूंगा, और अगर ये एक भी सही जवाब देगा तो वो इस कॉलेज में रह सकता है। सर, आप तो इसे ऐसे ही सवाल पूछेंगे जो इसे नहीं आते। Keep your mouth shut, Swami! क्या है भाई साहब? हमारा आज लंच का डेट है आपके होटल में। लंच? लेकिन अभी सुबह के 6:30 बजे, आप दोनों अपनी घड़ी ठीक कीजिए। ठीक दीजिए? ओह, लगता है बेचारे की माली हालत खराब है। भाई साहब ये रख लीजिए, शर्ट खरीद लीजिए। अबे मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने कहा अपनी घड़ी ठीक कीजिए, अभी सुबह का 6:30 हुआ है। 30 हुआ? ठीक, तो यहाँ क्या खड़े? अंदर बाथरूम में जाइए ना। ठीक। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, आदमी क्या सुन रहा है यार? भाई साहब ये सुन नहीं सकता और मैं देख नहीं सकता। जिन लड़कियों से हम प्यार करते हैं उनके साथ आज हमारा पहला लंच डेट है, इसलिए हमने सोचा जल्दी आए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए भाई साहब, आप दोनों 12:30 बजे आएंगे तो भी आपको सब कुछ तैयार ही मिलेगा ना। लेकिन भाई साहब हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तुम्हारा नाम क्या है? चंपक। चंपक भाई, ये पैसा रखिए, आज सारा होटल हमारे नाम पे बुक। लेकिन इस वक्त हम लोग 2-3 लोग ही है। अरे हम दोनों भी है ना, सब कुछ मिलके करेंगे। हाँ। चलिए ना। चलो चलो चलो। क्या है वो? क्या चाहिए? वो जो पूरा होता है ना, वो पूरा, वो ऐसा चाहिए, वो मुझे ऐसा। वो। जल्दी बोलो क्या चाहिए, बंदा सब सप्लाई करता है, खाना पीना वगैरह। लास्ट एक किडनी मिल सकती है? किडनी नहीं बाबा, पूरी लाश चाहिए। पूरी लाश चाहिए? चलो देखता हूँ, कुछ चक्कर चलाता हूँ। अरे ये हॉस्पिटल है, रोज 2-3 लोगों की विकेट तो गिर ही जाती है ना। अब उसे देखो, उसका बाप बहुत सीरियस है। तुम्हारा गुड लक अच्छा रहेगा तो 2-3 घंटे में उसका विकेट उड़क जाएगा। अरे तुम लोग रोने का राशन अभी खत्म कर डालेंगे तो ऑफ होने के बाद में कौन रोने वाला है? चुप बैठो। कुछ ऑलरेडी मरा हुआ नहीं है क्या? एक था पर उसकी मैयत निकल चुकी है। मैयत रुक नहीं सकती, अब तक फूंक दिया होगा उसे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, उसके बाप के लुढ़कने का इंतजार करो। इंतजार? आधी लाइफ तो डेड के मरने के इंतजार में गुजर गई, अब उसके मरने के बाद भी इंतजार। आधी लाइफ तो डेड के मरने के इंतजार में गुजर गई, अब उसके मरने। ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज बिगिन द प्रोसीडिंग मिस्टर प्रसाद। एनी मोर विटनेसेस? No, Your Honor. Mr. Kothari? Your Honor, मैं मिस लवलीन से फिर कुछ सवाल करना चाहूंगा। Objection, Your Honor. Mr. Kothari, already मेरे क्लाइंट से सारे सवाल पूछ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इन्हें अदालत का और वक्त जाया करने की इजाजत दी जाए। Mr. Kothari, आपके पास इस केस पर रोशनी डालने के लिए कुछ नए सवाल हैं? Yes, Your Honor. मिस लवलीन कपूर को विटनेस बॉक्स में पेश किया जाए। मिस लवलीन, 25 मार्च की रात आप कहां थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस लवलीन इस बात का जवाब पहले भी दे चुकी हैं। इनका जवाब था कि 25 मार्च की रात वो मिस्टर मल्होत्रा के घर पर कोई बिजनेस की डील फिक्स करने गई थी। योर ऑनर, मैं कोर्ट के सामने ये प्रेजेंट करना चाहूंगा, 27 मार्च का न्यूज़पेपर जिसमें मिस्टर मल्होत्रा दिल्ली के एक पार्टी में नजर आ रहे हैं। 25 मार्च की रात हुई एक पार्टी में, जब मिस्टर मल्होत्रा मुंबई में थे ही नहीं, तो मिस लवलीन उनके घर पर कैसे जा सकती है? योर ऑनर, मिस्टर कोठारी आज से 10 महीने पहले की बात कर रहे हैं और ये तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे एग्जैक्ट डेट याद हो। जरूरी है मिस लवलीन, क्योंकि ये किसी बेकसूर की जिंदगी का सवाल है, वो बेकसूर जो आपकी गलती की सजा भुगतने जा रही है। 25 मार्च की रात आप अपने घर पर ही थी, आपका डिवोर्स हो चुका था, संजय आपके घर आया था और आपने हत्या में प्रयोग की हुई स्टैच्यू से संजय के सर पर वार करके उनका मर्डर किया था।